दोस्तों ये टावर क्रेन का झूला फैब्रिकेशन यार्ड से बन करके रेडी है। ये पेंटिंग हो रहा है। सबसे पहले मैं इसका आपको साइज बता दे रहा हूँ। इसका साइज जो है 1500 बाई 1200 का है और हाइट 2 मीटर है। टॉप से लेकर के ये बॉटम तक 2 मीटर है। इसमें कौन कौन से मटेरियल लगा है और कितना लगा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ये 50-50 बाई 6 का एंगल 2 मीटर लेंथ का 4 पीस लगा है चारों कोने में। उसके बाद से ये 1500 बाई 1200 का एंगल 40-40-5 का 3 नंबर लगा है। इसमें 10 mm का स्टील 25 नंबर 2 मीटर का लगा है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तीनों साइड से 10 mm का स्टील लगाया गया है। उसके बाद से इसमें बॉटम में ये ISMC 100 का चैनल है, 1500 का है 2 और 1200 का 2, और उसके बाद से एक बीच में 1.2 मीटर का इसके मिडिल में लगाया गया है। उसके बाद ये 4 mm का MS सीट है, 1500 बाई 1200, 4 mm थिकनेस का। इसमें एक गेट लगाया गया है। गेट का मैं आपको साइज बता रहा हूँ। दोस्तों ये एक गेट लगाया गया है 40-40-5 का एंगल से। तो ये हो गया इसका गेट, ये ऐसे लगता है और इसको ऐसे कर देने से ये खुल जाएगा। 1.5 मीटर बॉटम से 1.5 मीटर तक ये गेट का हाइट है। उसके बाद से दोस्तों टॉप में ये उठाने के लिए क्रेन उठाएगा उस डी साइकिल के लिए चारों कोने पे 4 हुक लगाया गया है। 12 mm का प्लेट है वो। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 एंगल 50-50-6 का 20 mm का ये स्टील लगाया गया है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ से अगर चैन पुली या कुछ भी ऊपर से अगर गिरता है या टूट के गिरता है तो ये सेफ्टी के लिए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहेगा, इसलिए इसको बनाया गया है। दोस्तों इसका जो टोटल वेट है एज पर क्रेन ऑपरेटर एंड स्पेसिफिकेशन के अनुसार, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के अनुसार ये 200 से 250 के बीच होना चाहिए। इसका जो वेट है 243 kg है। तो दोस्तों ये रहा हमारा टावर क्रेन का झूला। इस झूले में अब दोस्तों जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ से आ रहे हैं वापस नीचे।